हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पहले से पता होगा और मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि एलएमआरसी के अंदर वैकेंसी आने वाली थी, जो 2 महीना पहले मैंने इंटीमेट किया था, और वही आ चुकी है। एलएमआरसी का नाम बदल के मैंने उस टाइम बोला था कि अब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करने जा रहा है, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। तो 20 तारीख का नोटिफिकेशन है आपके लिए, और फिर इसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 22 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग होना, और लास्ट डेट जो है वो 23 से 11 12 रहेगा। ये आपको ध्यान रहे, 23/12/2019 रहेगा लास्ट डेट। तो एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए, टोटल इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो 183 पोस्टें हैं आप लोगों के, उसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों है। कुछ पोस्ट के लिए बीटेक एलिजिबल है, कुछ के लिए डिप्लोमा एलिजिबल है। अब यहाँ अगर बात कर लूँ एग्जीक्यूटिव पोस्टों की, तो एग्जीक्यूटिव पोस्टें में देखिए कई कैटेगरी बांटे गए हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल का, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट मैनेजर SNT का, तो इस तरीके से पोस्टें बांटे रखी है इन्होंने। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो देखिए क्या क्या को दे रखा है इन्होंने। ये है 28 सीटें इसके अंदर है, 18 इसके अंदर है, तो ये सीट तो जो इतने हैं, लेकिन इसमें बीटेक क्वालिफिकेशन दे रखा है, क्लियर। और यहाँ पे एज लिमिटेशन 21 से 28 साल दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए, क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना होगा कि जो इसके अंदर पोस्टें जो आई हुई है, जो रिजर्वेशन यूपी के अंदर रिजर्वेशन जो गिवन होगा, चाहे जितने भी रिजर्वेशन होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले के लिए अप्लीकेबल होगा, क्लियर। रिजर्वेशन यूपी वाले के लिए अप्लीकेबल होगा, और अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे। जहाँ तक बात नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की होती है, यहाँ देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्टें ये सब है, इसमें आप 3 ईयर्स डिप्लोमा एलिजिबल है, और यहाँ पे सिविल की भी वैकेंसी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, SNT वाले के लिए है। तो यहाँ पे भी अगर बात करो तो एज जो है यहाँ पे 21 से 28 साल यहाँ भी लिया गया है, लेकिन इसमें 3 ईयर्स के डिप्लोमा एलिजिबल है। उसके बाद मिनिमम जो है 60% दिया गया है वो जनरल के लिए, और कैटेगरी वाइज के लिए रिलैक्सेशन है मार्क्स के अंदर भी। फिर अगर बात करोगे आप यहाँ पे, तो रिजर्वेशन बाकी तो इसके मैं लिंक आपको दे दूंगा। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लूँ तो क्वालिफ़िकेशन में डिप्लोमा जो एलिजिबल है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और बीटेक वाले एलिजिबल हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात अगर की जाए तो इसमें अलग अलग ब्रांचों के हैं, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद सिविल, SNT, और फिर यहाँ पे बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए रिटेन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, तो ये प्रोसेस होंगे आपके, जिसमें रिटेन टेस्ट में क्या क्या लिए जाएंगे वो देख लीजिए आप एक बार। रिटेन टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा आपका, मेडिकल वगैरह के प्रोसेस दे रखे हैं। एक चीज़ और, मैं इसके PDF को आपको लिंक किसी में डिस्क्रिप्शन में कर डाल दूंगा, आप इसको कर सकते हो। यहाँ से इस लिंक के थ्रू भी आप इसी के अंदर जाके इसके सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हो। रिटेन टेस्ट में क्या होगा, 140 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव होगा। उसके बाद द पेपर विल भी 2 घंटे के होंगे, और वो एग्ज़ाम जो होगा वो क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करेगा, जनरल अवेयरनेस होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर आपका है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होंगे, और फिर जिस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के, और मैकेनिकल के हो, सिविल के हो तो सिविल के, इस तरीके से डिसिप्लिन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑनलाइन बेस्ड क्वेश्चन होगा, एग्ज़ाम होगा आपका CBT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर बात फिर आप करते हो यहाँ पे इनसे रिलेटेड, यहाँ पे एग्ज़ाम के सेंटर के रिलेटेड अगर बात करते हो, तो एग्ज़ाम के सेंटर कई सेंटर पे यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देखिए आगरा दिया है, कानपुर दिया है, लखनऊ दिया है, इलाहाबाद दिए हैं, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, तो कई ऐसे सेंटर हैं जो नोएडा रेंज में भी हैं, दिल्ली के रेंज में जो मोस्टली बच्चे फिल करते हैं, तो वो नोएडा वाले रेंज को फॉलो कर सकते हैं। फिर आगे अगर बात करते हो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की, तो हो गया, तो इस तरीके से। उसके बाद ट्रेनिंग कोस्ट भी इसके अंदर दिए हुए हैं, और इसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा, बाकी सब चीज़ वही है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी कुछ दिए हुए हैं कि उसके फॉर्म किस तरीके से आप फिल करोगे।